हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि सिंपल रेसिपीज़। आज मैं बहुत ही सिंपल सी और यूनिक सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। अक्सर जब भी हम लौकी बनाते हैं तो उसके छिलके को फेंक देते हैं, मैं आज उसके छिलके की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, जिस मर्जी के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लौकी के छिलके की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी को धो लेंगे और उसे छील लेंगे। इसे छीलने के लिए आप मोटे छिलके निकालने वाला पीलर यूज़ करें, जो पीलर थोड़ा मोटा छिलका निकालता हो, क्योंकि अगर छिलका पतला निकलेगा तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद इन छिलकों को हम अच्छे से साफ़ करके इसे कट करेंगे। इस तरह से देखिए, पतले पतले स्लाइसेस कट कर ले। आप चाहे तो 3-4 छिलकों को एक साथ पकड़ के भी काट सकते हैं, उससे थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए मैंने एक ही छिलका पकड़ा हुआ है, ये देखिए इस तरह से मैंने इन सबको कट कर लिया है। तड़के के लिए हमें चाहिए होंगे 2 सूखी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, और मसाले में हमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी चाहिए। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने मिर्ची डाल दी। इसके बाद मैंने ज़ीरा डाल दिया यहाँ पे। ये ज़ीरा जैसे ही चटकने लगेगा हम इसमें सारे छिलके ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिए सारे छिलके। अब हम इसे मिला देंगे और ये कुकिंग हमें लो फ्लेम पे ही करनी है। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल जाएगा। इसे ढक के थोड़ी देर पका दें। उसके बाद हम इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। नमक और हल्दी को स्टार्टिंग में ही ना ऐड करें, थोड़ी देर पकाने के बाद ऐड करें। फिर से इसे ढक दें और 2-3 मिनट इसे फिर से लो फ्लेम पे पकने दें। दो तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर हम इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये तुरंत जल जाएगा, इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पे पका रही हूँ। अभी इसे थोड़ा सा और पकाना है, जब तक ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। हमें इसे पूरा क्रिस्पी और क्रंची नहीं करना है, बस मुझे बीच में थोड़ा थोड़ा क्रिस्पीनेस चाहिए होता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा पका देती हूँ। आप चाहे तो इसे थोड़ा कम भी पका सकते हैं। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। आप चाहे तो इस सब्ज़ी को रोटी के साथ या दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी मुझे फीडबैक दें।